attention. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dekhiye Abbas se maker Abbas ne jo hai check banaya ya bill of exchange banaya ya promissory note banaya. Theek hai na? Jo bhi aap dekhenge wo beneficiary jo tha Muhammad Ali tha. Muhammad Ali ke paas wo ko de diya. Ab Muhammad check samajhne bhi check se samajhte hain. Ya bill of exchange Muhammad Ali ko mil gaya ya promissory note Muhammad Ali ko mil gaya. Kyunki Abbas ne 5000 Muhammad Ali ko dene the. मोहम्मद अली ने वो को 5000 देने थे ए को. मोहम्मद अली ने ए को से कहा कि तुम ये बिल ऑफ ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चाहे वो चेक हो बिल ऑफ एक्सचेंज हो प्रॉमिसरी नोट हो आपको पता लग तो गया है यार क्यों टेंशन दे रहे हैं मुझे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है. तीन चीज़ें होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और क्या नाम है प्रॉमिसरी नोट या चेक. ठीक है ना. मोहम्मद अली ने 5000 रुपये मैंने मोहम्मद अली को 5000 रुपये दिए. मोहम्मद अली ने उठा के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ए को दे दिया क्योंकि ए मोहम्मद अली से 5000 रुपये मांग रहा था. ठीक है. मोहम्मद अली ने क्या किया ए को दे दिए. ए ने ए क्यों मांग रहा था मोहम्मद अली से वैसे क्यों ए ने बी को पैसे देने थे. बी ए को तंग कर रहा था ए ने बी को दे दिए. बी ने को देने थे सी को 5000 रुपये बी ने सी को दे दिए. सी ने डी को देने थे डी ने को दे दिए. सी ने बिल ऑफ ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ई को दे दिया डी ने. अब बाउंस हो गया. क्यों बाउंस हो गया अगर चेक है तो बैंक की वजह से बाउंस हुआ होगा. बैंक में पैसे नहीं है. अब प्रॉमिसरी नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज है तो किस वजह से बाउंस हुआ होगा क्योंकि ए ने मना कर दिया मेकर ने. बात समझ में आ गई ना. इतनी सी बात थी आपकी क्लियर हो गई. अब अगर इस ई अब ई किस पे केस करेगा इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे और अब्बास तक केस कर सकता है. ई इन सब पे केस कर सकता है. डी किस पे केस करेगा इन इस पे इस पे इस पे कर सकता है. सी किस पे केस करेगा इस पे कर सकता है. बी से केस कर सकता है. ठीक है. फ़र्ज़ करें ई का जो बाउंस हुआ ई ई बाउंस हुआ तो डी के पास ई गया. ई के पास डी गया तो डी ने सी से कहा क्या किसका तुमने ये दिया था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. बाउंस हो गया ये. सी ने कहा अच्छा है. सी ने बी को कहा. बी ने कहा लाओ मैं पेमेंट कर देता हूँ. अब बी ने पेमेंट कर दी. अब बी ने को पेमेंट कर दी तो बी रिकवर करेगा ना पैसे. बी किससे रिकवर करेगा. बी ए से कर सकता है और मोहम्मद अली से कर सकता है और अब्बास से कर सकता है. लेकिन बी अब सी और डी से या ई से नहीं कर सकता. यानी लॉ कहता है पीछे वालों से रिकवर कर सकते हैं अगर आपने पेमेंट किए आगे वालों से नहीं. समझ में आ गया. थैंक यू.